कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अच्छी टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। जियोमॉर्फोलॉजी का टेस्ट होने वाला था। जियोमॉर्फोलॉजी के टेस्ट की आपने शायद तैयारी करी होगी। इसमें हम दो प्रकार के प्रश्नों को लेने की कोशिश करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न में और दूसरा क्वेश्चन राइटिंग आंसर राइटिंग के रूप में। तो जो मेंस के हिसाब से प्रश्न रहेंगे वो प्रश्न हम ज़्यादा नहीं, पांच बड़े अर्थात 200 वर्ड में और पांच छोटे यानी शॉर्ट नोट्स में जो 100 वर्ड्स में रहेंगे। इसी के बाद में हम ऑब्जेक्टिव, कुछ ऑब्जेक्टिव 5 से 7 ऐसे ऑब्जेक्टिव रखेंगे जो आपको बनने चाहिए, जो जियोमॉर्फोलॉजी के जो लेक्चर है उसके आधार पर। जियोमॉर्फोलॉजी फिजिकल ज्योग्राफी का एक पोर्शन है, उसी के ऊपर प्रश्न थे। तो हमने आपको बता दिया कि ये 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और ये 10 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन सबसे पहले भूकंप क्या है, इसके आने के कारण। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में तापमान के आधार पर जो अध्ययन किया गया है उसका वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न, प्लेट क्या है, इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, चट्टानी संरचना में किस चट्टान का निर्माण सबसे धीमी धीमी गति से होता है। पांचवा प्रश्न, एक पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है? ये आपके सामने प्रश्न। इन प्रश्नों के बाद में आप कुछ बड़े नोट में प्रश्न लिखिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न, रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है एवं ये हमें कहाँ दिखाई देती है? दूसरा प्रश्न, वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत किस विषय में
हमें जानकारी देता है, उसके विषय में चर्चा कीजिए। थर्ड प्रश्न, वलय का निर्माण बल के कारण होता है जिसके सॉरी आप यहां पर वलय का निर्माण बल के कारण होता है। बल के विषय में बताइए, साथ ही वलय के प्रकार को भी समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न, प्लेट विवर्तनिकी की सिद्धांत की सहायता से आप समझाइए कि अपसारी प्लेट संचलन के दौरान महाद्वीप का निर्माण होता है। अपसारी प्लेट संचलन के दौरान महाद्वीप का निर्माण होता है क्यों? नेक्स्ट प्रश्न, भूकंप के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में अध्ययन किया गया। इस अध्ययन पर चर्चा कीजिए। ये हो गए बेटा आप लोगों के 10 प्रश्न जो आपको मेंस के रूप में लिखना है। इन 10 प्रश्नों के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी में आपको कहीं ना कहीं बनने चाहिए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित क्रियाओं को आप सही क्रम में जमाएं। पहला अपक्षयन, उसके बाद लिखिए लिथिफिकेशन, अपरदन, इन्हें सही क्रम में जमाइए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी
ज्वाला मुखी क्रिया के माध्यम से क्षैतिज रूप में बनती है। क्षैतिज रूप में बनती है। तो पहला थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी क्षैतिज रूप में बनती है? तो आपको इसमें बताना है कौन कौन सी क्षैतिज रूप में बनती है। पहला एक प्रश्न, लोपोलित, लेकोलित, पैकोलित, डाइक। निम्नलिखित में से कौन सी, पहला का आप उत्तर लिखेगा, पहला बनती है, दूसरा बनती है, दूसरे का प्रश्न लिखिएगा, दूसरा बनती है, तीसरा बनती है क्षैतिज रूप में, तीसरे का प्रश्न लिखिएगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों बनती है, चौथा लिखिएगा। उपरोक्त में से सभी, ठीक है। अब इसी के बाद में तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सी चट्टान मूल चट्टान कहलाती है? पहला कायंतरिक, दूसरा अवसादी, तीसरा आग्नेय, चौथा पेरियो डाइट। इसमें से कौन सी चट्टाने सबसे मूल चट्टान कहलाती है? लास्ट ऑब्जेक्टिव, चौथा ऑब्जेक्टिव, कथन है। और कथन की व्याख्या, ठीक है, कथन, पहला कथन, भूकंप पृथ्वी पर आंतरिक चट्टानों की स्थिति में परिवर्तन के कारण आता है, जो व्याख्या में जो मानव निर्मित क्रिया के साथ साथ प्राकृतिक क्रिया के कारण हो सकता है, ठीक है। ये आपके सामने प्रश्न है, इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करने के बाद में आप जरूर देखिएगा कि हम कितने लेक्चरों को समझ पाए, कितने लेक्चरों को नहीं समझ पाए। अगर नहीं समझ पाए तो फिर से उसे देखिए, और देखने के बाद में अपने जियोमॉर्फोलॉजी के जो लेक्चर है वो पोर्शन, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।